हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे हम ट्रैफिक स्नैपिंग पॉलिसी क्रिएट करते हैं किसी फायरवॉल रूल के लिए। गाइज, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि किसी यूजर्स के ऊपर कैसे पॉलिसी क्रिएट करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला किसी रूल के ऊपर कैसे पॉलिसी हम क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमारे पास 5 MB का इंटरनेट, हम चाहते 3 MB इस पॉलिसी को मिले, 3 MB उसको मिले, 3 MB उसको मिले, या ऐसे बड़ा इंटरनेट है तो हम इसके हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। तो उसको कैसे करना मैं आपको बताऊंगा। तो मैं जैसे अभी मेरे पास, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ गाइज कि मेरे पास एक ये पॉलिसी बनी हुई है, मीटिंग नाम से पॉलिसी है। इसको मैं चाहता हूँ कि 5 MB इस रूल को मिले, इस रूल के अंदर जो भी मेंबर या जो भी आईपी हो। तो इसको कैसे हम अप्लाई करते हैं, मैं वो चीज़ आपको इस वीडियो में करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले गाइज, आपको अपने फाइल में लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद सिस्टम एंड सर्विसेज पे आना है। सिस्टम एंड सर्विसेज में आएंगे आप तो यहाँ पे ट्रैफिक स्नैपिंग का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर जस्ट आपको क्लिक कर देना है। अब गाइज, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड का बटन, इस पे ऐड पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे हम ऐड पे क्लिक करेंगे गाइज, यहाँ पे एक मीनिंग है जिसका मतलब, तो 128 बिट का मतलब होता है 1 MB, और इसी प्रकार से मतलब 128 प्लस 128 प्लस जितने भी आपको चाहिए उतने, जितने MB का आपको प्लान बनाना है उतने बिट प्लस करने जाने पड़ेगा। तो मतलब मैं अगर 1 MB का प्लान बनाऊँ या मैं 5 MB का प्लान बनाऊँ, तो यहाँ पे मैं 5 MB प्लान लिख देता हूँ गाइज, 5 MB प्लान। अब यहाँ पे 5 MB का अगर आप 128 × 5 करेंगे तो 640 होगा। तो यहाँ पे टोटल आपको टाइप करना पड़ेगा 640। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैं यहाँ पे पॉलिसी एसोसिएशन में यूजर्स, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे मैं आपको दे दूँगा। अब मैं रूल के ऊपर बना, तो मैं यहाँ पर रूल पर क्लिक करूँगा। रूल पे क्लिक करने के बाद हम किसी रूल के लिए भी ये पर्टिकुलर रूल बनाने गए कि जी, मैं वो भी आपको करके दिखाऊंगा। तो अब आपको रूल को सिलेक्ट करना। रूल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रायोरिटी में जाना है और यहाँ पे पॉलिसी नंबर 3 सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको देना है कि आप कितना बैंडविड्थ किसी रूल के लिए देना चाहते हैं, जिस भी रूल के लिए आप पॉलिसी बना रहे हैं। तो मैं मान चलता हूँ 640 हम रख दिए, मतलब 5 MB हम उसको देना चाहते हैं। यहाँ पर रूल नेम हम YouTube रख देते हैं जैसे, या रूल आई डी यहाँ पर लिख दे, रूल आई डी 6, और इसको हम कर देते हैं सेव। सेम इसी प्रकार से करना है गाइज, किसी रूल के ऊपर हम कैसे पॉलिसी अप्लाई करते हैं। अब क्या करना है आपको, फायरवॉल एंड रूल्स पे जाना है। अब आपको जिस भी रूल, आपके पास जो भी रूल रहेगा, आपको लग रहा है कि इस रूल को, मीटिंग वाली रूल में इंटरनेट ज़्यादा चाहिए मतलब फुल टाइम के लिए, तो उसको कैसे करना है, तो जस्ट इसको एडिट करना है। अब एडिट करने के गाइज, आपको इसी रूल में एकदम बॉटम में आ जाना है, नीचे आना है और नीचे स्क्रॉल करके आना है और स्क्रॉल करके आना है और स्क्रॉल करके ना। अब यहाँ पे आप देखिए सेव ट्रैफिक, मतलब सेव ट्रैफिक पे जस्ट क्लिक करना है आपको। अब यहाँ पे आप 5 MB जैसे टाइप करेंगे, तो अभी हमने 5 MB का प्लान बनाया तो ये 5 MB यहाँ आ गया। अब हम सेव कर देंगे तो इस रूल में जितने भी यूजर्स रहेंगे उनको 5 MB का एक, मतलब 5 MB का डाउनलोड अपलोड स्पीड मिलेगी। जैसे अब हमको कर देना अप्लाई, मतलब सेव कर देना। अब सेव करने के बाद क्या होगा कि अब इस रूल में जितने भी यूजर्स रहेंगे, चाहे 2 या 1 या 5 या एक ही यूजर्स, उसको अब इस रूल को कंटिन्यू 5 MB की डाउनलोड अपलोड स्पीड मिलेगी। तो इसी प्रकार से आपको इमरजेंसी में कहीं कोई पॉलिसी आपने क्रिएट किया और आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर कुछ यूजर्स को या किसी रूल को थोड़े टाइम के लिए, 1 घंटे 2 घंटे के लिए हाई बैंडविड्थ मिले, तो आप इस तरह से प्लान करके कर सकते हैं। और कुछ जो जहाँ पे अनयूजेस है वहाँ की आप ट्रैफिक स्नैपिंग पॉलिसी के जरिए आप उनकी बैंडविड्थ कम कर सकते हैं, जिससे आपको बैंडविड्थ का अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में गाइज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम एप्लीकेशन और वेब के ऊपर हम पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन जैसे IRCTC और यूट्यूब, फेसबुक या जूम या वेवेक्स या फिर जियोमीट या ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस है, पर्टिकुलर एप्लीकेशन को कैसे हम बैंडविड्थ देते हैं, मैं अगली वीडियो में वो लेके आऊँगा गाइज। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब की वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा गाइज कि अगली वीडियो में जो मेरा टॉपिक आने वाला है, मैंने यूजर्स और रूल्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया, अब मैं वेब कैटेगरी के ऊपर बनाऊंगा, वेब कैटेगरी को कैसे हम किसी बैंडविड्थ लिमिट देते हैं। तो गाइज मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।